सो हेलो गाइस, हम आज स्कूल बस की तरफ से मेरा इंडिया मेरा अधिकार के जो एनजीओ के जो प्रयास हैं, आज वो एक सक्सेसफुल ड्राइंग कंपटीशन कंडक्ट करवा रहे हैं और ये जो प्रसारण हम आपको दे रहे हैं सेक्टर 12 आरकेपुरम के पार्क से, जहां पर आप देख सकते हैं स्लम के बच्चे और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे आज ये ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं और इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है इसको ऑर्गेनाइज करने का वो जाता है मेरा इंडिया मेरा अधिकार के एनजीओ को। हम आपकी उन लोगों से तो बात करवाएंगे कि कैसे उनके सक्सेसफुल प्रयास इस बार सफल होते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन कंपटीशन को ये ऑर्गेनाइज करा चुके हैं। जूनियर सेक्शन के बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग्स बना रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता आप किस वर्ग से आए हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, कुछ स्लम के बच्चे हैं, कुछ पब्लिक स्कूल के बच्चे भी हैं, कुछ EWS कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, बट फर्क इस बात का है कि हर कोई आज संडे के दिन आया है और अपना कंट्रीब्यूशन आज इस कंपटीशन को दे रहा है। वहां पर सीनियर लेवल के भी हैं, कुछ देर बाद जरूर आपको इसमें लेकर चलेंगे और यहां पे लोगों से बात करेंगे कि कैसे, क्या मानसिकता थी इस एनजीओ को स्टार्ट करने की, क्या बेनिफिट बच्चों को मिल रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि कुछ पेरेंट्स भी यहां पर मौजूद हैं, बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, बच्चे भी कलर करने में लगे पड़े हैं और जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये सब बच्चों को एनजीओ के द्वारा प्रोवाइड की गई है। यही बहुत ही काबिले तारीफ बात है कि अगर ऐसे छोटे छोटे प्रयास होते रहे तो क्यों ना ऐसे बच्चे जिनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती और उनको अगर फैसिलिटीज दो तो काबिलियत की बिल्कुल भी कमी नहीं है, ये आज ये बच्चे बिल्कुल दर्शा रहे हैं। चलिए मैं कुछ बच्चों से आपकी बात करवाता हूं कि कैसे आज इनको इस बारे में पता चला और क्या ड्राइंग करके मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है कि यहां पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने बचपन के दिन भी हमें याद आ गए हैं कि हम भी ऐसी कलर बुक लेके बैठते थे, कोई भी कॉम्पिटिशन छोड़ते नहीं थे, चाहे स्कूल की बात हो। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिसको देखेंगे, सर एनजीओ की गुहार है आपसे गुहार लगाना चाहता है, उनको भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप हेल्प करेंगे तो ये जो बच्चे हैं, जो भारत का युवा है, ये खासकर भारत का युवा है, यही भारत की देश की तस्वीर को बदल सकता है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए कुछ बच्चों से आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु है। कौन से स्कूल के हैं आप? टैगोर इंटरनेशनल स्कूल। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल। ओके, सो आपको इस कॉम्पिटिशन के बारे में कैसे पता चला? मैं लास्ट संडे भी आया था यहाँ पे। पहले ये एनजीओ वाले मेरे घर आए थे, फिर कल मेरे घर पे फ़ोन आया था इसके बारे में कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। ओके, एक क्वेश्चन मेरा यह है कि क्या आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करा कि आप जाओ और इसमें आप पार्ट लो और ड्राइंग बनाओ? क्या आपका ड्राइंग आपका इंटरेस्ट है, हॉबी है? हाँ, ड्राइंग मेरा इंटरेस्ट है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करा था कि तुम जाओ और इस कंपटीशन पे पार्ट लो। अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत देखने वाली है कि फ़र्क नहीं पड़ता आप पब्लिक स्कूल से हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, हर वर्ग का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और सब मिलकर इक्वली साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो दायरा है वो ख़त्म हो जाता है कि अगर आप पब्लिक स्कूल से हो या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल से हो, इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और ये मानसिकता टूटती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। हम कुछ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कौन सा स्कूल के हो? SB नंबर 3 सेक्टर 7। क्या बनाया आपने? प्लास्टिक। एक को थोड़ा हाथ में उठाकर दिखा सकते हो कैमरे पे? कैसे पता चला इस कंपटीशन के बारे में कि यहाँ पर आज एक आर्ट कंपटीशन है? मैं, क्योंकि हम हर संडे क्या कहते हैं हमें भैया पढ़ाने आते थे। अच्छा। फिर भैया ने बताया था कि संडे को कंपटीशन है, फिर मैं उसमें सिलेक्टेड हुआ, फिर यहाँ पे आया। पढ़ने का शौक है? क्या बनना चाहते हो? अभी सोचा नहीं है लेकिन पढ़ने का शौक है। कभी ऐसा हुआ कि पढ़ाई से रोका गया, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं हुआ, बस पढ़ने का शौक है। ठीक है, क्या नाम है आपका? दीपाली। दीपाली, कौन से स्कूल के हो? नवयुग स्कूल। नवयुग स्कूल कौन सा? मोतीबाग। मोतीबाग, अच्छा। तो क्या बनाया आपने आज? आज देख रहा हूँ कि एक थीम दी गई है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन पे, बेसिकली स्वच्छता पे एक थीम दी गई है जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। क्या आपको क्या थीम मिली है? टॉपिक क्या मिला है? सर, प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन, और आपने ये बनाया है। क्या लगता है आपको, आपकी पेंटिंग जीतेगी अवार्ड? हाँ। पक्का? पक्का। चलो बढ़िया है, आई होप जीते, अच्छी बात है। चलिए कुछ बच्चों से आपकी और बात करवाते हैं। बच्चे बहुत सारे हैं, हम हर किसी के पास तो नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन जितनों के पास पहुंचेंगे सबकी आवाज़ें आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अब मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी बच्चे अपनी पेंटिंग खत्म भी कर चुके हैं, काफ़ी बच्चों की एग्जीबिशन पे भी लगी पड़ी है। मैं एक बार दिखा सकता हूँ कैमरामैन से, एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन सारी पेंटिंग्स को दिखाएं, ये सारी फ्रेम में आनी चाहिए कि बच्चों ने क्या क्या किया है और हर उस स्कूल के बच्चे तक ये पहुँचे कि हाँ बच्चे कम नहीं हैं, बच्चे अपना पूरा प्रयास करके बहुत खूबसूरत ड्राइंग बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आज तारे ज़मीन पर थोड़ा मुझे याद आ गया है कि हर बच्चे में कला होती है, सिर्फ तराशने की देर होती है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए कुछ बच्चों से और आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम आयुष है। कौन से स्कूल के हो? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय कौन सा? सेक्टर 8। ओके, कैसे पता चला कि आज यहाँ पे सेक्टर 12 आर के पुरम में ड्राइंग कॉम्पिटिशन है? मेरे एक दोस्त ने कहा था कि अच्छा। चल मैं उसके साथ आ गया। तो दोस्त आया आपका? नहीं, दोस्त सिलेक्ट नहीं हुआ और आप सिलेक्ट हो गए। ओके, तो क्या बनाया आपने आज? एक बार क्या बनाया? ओके, क्या चीज है ये? ये तो कुछ ट्रांसफॉर्मर टाइप लग रहा है मुझे। वही है। अच्छा, तो बेसिकली आपको क्या टॉपिक क्या मिला था? टेक्नोलॉजी एंड जीव। टेक्नोलॉजी एंड जीव। यस। ओके, क्या नाम है आपका? आयुष। तो आयुष ने टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक ड्राइंग बनाई है। उसने ट्रांसफॉर्मर्स क्रिएट करे हैं। बच्चे करे भी क्यों ना इस डिजिटल एज के जमाने में, जहां पर टेक्नोलॉजी को इतना प्रमोट किया जा रहा है। और यहां पे कुछ और बच्चे भी हैं, मैं एंड में आ गया हूं। बेसिकली जो थीम मिली है वो पॉल्यूशन पे है, टेक्नोलॉजी एंड यू पे। यहां पे भी एक बच्चे को मैं देख सकता हूं कि इन्होंने प्लास्टिक बोतल बनाई है जिसके अंदर अर्थ बनाया है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनाया है कि एक प्लास्टिक के अंदर पूरे अर्थ को कैप्चर कर लिया है, यही बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन, कौन से स्कूल के हो आप? आज आपने इस प्लास्टिक के बॉटल के अंदर अर्थ बनाया है। थीम आपको प्लास्टिक पॉल्यूशन की मिली है। ओके, सो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि काफ़ी लोग जो हमारे बड़े हैं वो गंदगी फैलाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे एक सीख ले सकते हैं। उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने बड़ों को? कि हमें प्लास्टिक ऐसे फेंकनी नहीं चाहिए डस्टबिन के बाहर, और नदी में बिल्कुल नहीं फेंकनी चाहिए। इससे एनिमल्स उन्हें खा सकते हैं और जान भी जा सकती है। तो ये बात सीखने की बात है कि अगर बच्चे इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, स्वच्छता को प्रमोट कर रहे हैं कि पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, तो बड़ों को एक सीखने वाली बात है। और ये जो मैसेज दिया गया है स्वच्छता मिशन के आधार पे, और बच्चों ने मैसेज दिया है, यही बहुत बड़ी बात है कि बच्चे आजकल बड़ों को सिखा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में वो शक्ति है कि मानसिकता चेंज करने की, और यही लोग वो मानसिकता चेंज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से कलर भर रहे हो, क्या बनाया ये? अंडर वाटर लाइफ। क्या मैसेज देना चाहते हैं बड़ों को? कि जैसे हम पानी में कचरा फेंकते हैं, उनसे बाकी फिशेस उसे खाती हैं और फिशेस को नुकसान होता है। पानी के अंदर जो जीव हैं उनके अंदर भी जान है, हमें उनके पानी के अंदर कचरा डाल के उन्हें मारना नहीं चाहिए। कौन से स्कूल के हो आप? माउंट कार्मल स्कूल। अच्छा लगा आपसे मिलके, काफ़ी अच्छा मैसेज दिया आपने। अच्छा, जितने भी बच्चे हैं, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपको? एक बार जो ये प्रयास किए गए हैं इस एनजीओ के तहत, एक बार क्लैपिंग हो जाए उनके लिए। क्लैपिंग तेज। तो ये है बच्चों का जोशन जज्बा। आपको अभी सीनियर सेक्शन में लेके चलेंगे, मैं जूनियर सेक्शन में हूँ, कुछ बच्चों से बात करवाई आपकी, बहुत मज़ा आया, क्लैपिंग करी और जोशन जज्बा भरा हुआ है। बाकी मैं क्या कहूँ, बच्चे खुद ही अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी कहानी होती है और सब किसी की अपनी स्टोरी है, फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे हैं। बट अच्छा लगा बच्चों के बीच में आके, और अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है मामला, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है।